अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं विद एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। टिपिकल वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑफ दैट ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब एक्सपोनेंट -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है -10 मीटर। ठीक है, ये बात भी हम लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। खैर, जिनको नहीं पता, एंगस्ट्रॉम का मतलब है -10 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएंगी 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर। इतनी छोटी इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, कौन सी हैं ये? एक्सरेज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देयरफॉर अ ग्रेटिंग विच कंटेन्स 5 एक्सपोनेंट 7 नंबर्स ऑफ स्लिट्स पर सेंटीमीटर, दैट इज ग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ साइज 2 एंगस्ट्रॉम इज रिक्वायर्ड फॉर डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, आपको एक ऐसा ग्रेटिंग चाहिए इसके लिए जिसमें आप डायफ्रेक्शन को ऑब्जर्व कर सको। एक ऐसा ग्रेटिंग चाहिए आपको जिसमें कितने स्लिट्स हों एक सेंटीमीटर में, 5 एक्सपोनेंट 7 स्लिट्स हों, या फिर आप कह सकते हो कि 2 एंगस्ट्रॉम्स के स्लिट्स हों। ठीक है, आपको खुद ही इनकी अमाउंट बताई हुई है, आपको याद रखनी है। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ठीक है, वैसे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो है साइज स्लिट के साइज़ को और वेवलेंथ को हमें कंसिडर करना होगा, लाजमी इन्हें कंपेयर करना होगा अगर हमें डायफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करना है तो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिकल ग्रेटिंग ऑफ सच 2 स्मॉल साइज। ठीक है, इतना छोटा जो है ग्रेटिंग क्रिएट करना 2 एक्सपोनेंट -10 का इतना छोटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स यानी कि 5 एक्सपोनेंट 7 इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए डब्ल्यू एच ब्रैग अच्छा खैर इन साइंटिस्ट ने क्या किया, सजेस्ट किया डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय क्रिस्टल्स। ठीक है, इन्होंने क्रिस्टल मेथड यहाँ पर सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि क्रिस्टल्स के थ्रू भी हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अ क्रिस्टल इज एन एलिमेंट हुज एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर एरे। ठीक है, क्रिस्टल ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें जो क्रिस्टल्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं वो रेगुलर तौर पर जो है रेगुलर अरेंजमेंट हुई होती है इनमें एटम्स के, एंड दे आर सेपरेटेड यूनिफॉर्मली और इनमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली यानी कि सेम डिस्टेंस होता है जो कितना होता है 2 एक्सपोनेंट 15 एंगस्ट्रॉम का यानी कि 2 एक्सपोनेंट 15 -10 मीटर का। थ्रू द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स कैन एक्ट एज ए स्लिट। ठीक है, फिर हमसे कहते हैं देयरफॉर हमसे कहते हैं कि जो डिस्टेंस होगा इन 2 एटम्स के दरमियान, ये जो डिस्टेंस होगा इन 2 एटम्स के दरमियान ये तकरीबन इस जैसा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एज ए स्लिट काम कर सकता है। इन्होंने ये सोल्यूशन दिया। ठीक है, द डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज टेक्स प्लेस व्हेन दीज आर अलाउड टू फॉल ऑन द क्रिस्टल। ठीक है, जब एक्सरेज को क्रिस्टल्स पर डाला जाएगा तो वहाँ पर डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व करना पॉसिबल हो जाएगा। कंसिडर 2 मोनोक्रोमेटिक रेज। 2 मोनोक्रोमेटिक रेज को यहाँ पर कंसिडर किया गया। ठीक है, विच आर इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, जो इन क्रिस्टल्स के ऊपर यहाँ पर पड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एट एंगल थीटा। ठीक है, इन्होंने बनाया क्या, एंगल बनाया इन्होंने थीटा। ठीक है, विद द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ग्लेसिंग एंगल। ठीक है, और ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, ये एंगल कहलाता है आपके पास ग्लेसिंग एंगल कहलाता है। ठीक है, लेट दीज टू रेज बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 2 प्लेन्स ऑफ एटम सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी। ठीक है, फिर इन 2 रेज के दरमियान आपसे क्या कहते हैं कि इन दो रेज के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास कितना लिया गया है, डी लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कहते हैं कि डायग्राम से हमें पता चलता है कि द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेन ट्रेवल्स फास्ट फार्दर दैन द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि लोअर वाली प्लेन से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो ज़्यादा दूर तक के जा रही है अपर वाले के मुकाबले में। ठीक है, बाकी पाथ डिफरेंस हम लोग इन दोनों रेज के दरमियान नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस वाली बात को चेक करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि जो लोअर प्लेन से जो रे जा रही है वो ज़्यादा दूर तक के जा रही है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, लोअर प्लेन से जो रे जा रही है वो ज़्यादा दूर तक के जा रही है। ऑब्वियसली इसने ज़्यादा फासला तय किया है, ज़्यादा फासला, और जो अपर प्लेन से जा रही है वो कम जा रही है। ठीक है, ऑब्वियसली इसने कम फासला तय किया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो हमसे यहाँ पर डी भी बता दिया गया है। ठीक है, इन दोनों क्रिस्टल्स की सरफेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर डी लिया गया है। ठीक है, 2 रेस आ रही हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स के ऊपर पड़ रही हैं, एंगल बना रही हैं। ठीक है, ये ज़्यादा तय करिए, कम तय करिए। ठीक है, क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, आगे मूव करते हैं। अब देखो एट अ टाइम यहाँ पर 2 रेज है ना। ठीक है, एक है आपके पास ये वाली रे, एक है आपके पास ये वाली रे, एट अ टाइम यहाँ पर 2 रेज हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पाथ डिफरेंस बनाना है। ठीक है,
पाथ डिफरेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला क्रिस्टल है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला क्रिस्टल है, तो एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम इजीली अपना 90 डिग्री यहाँ पर क्रिएट कर सकें, ठीक है। फिर ये हमने बनाया यहाँ पर पाथ डिफरेंस, या आप समझ लो कि ये है पाथ डिफरेंस, ठीक है। फिर इस तरफ से ए बी प्राइम वाली के लिए भी यही हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास एक एक पाथ डिफरेंस आपके पास हो जाएगा ये बी सी, और एक पाथ डिफरेंस आपके पास हो जाएगा सी बी प्राइम, ठीक है। इस तरह से आपके पास दो पाथ डिफरेंसेस हो गए, और अगर आप टोटल पाथ डिफरेंस को देखोगे तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। एक रे के लिए ये वाला पाथ डिफरेंस है बी सी, ठीक है। एक रे के लिए देखो ये वाली रे इतनी है, ये वाली रे इतनी है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसका पाथ डिफरेंस बना दिया बी सी एक रे का, और इसी तरह ये वाली रे यूँ जा रही है, ये वाली यूँ जा रही है, फिर से ज़्यादा फासला हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना फासला ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फिर आपने पाथ डिफरेंस बना दिया बी प्राइम सी, ठीक है। टोटल पाथ डिफरेंस के लिए आपने इन दोनों पाथ डिफरेंसेस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया बी सी प्लस सी बी प्राइम, ठीक है। अब आप ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हो बी ए सी, ठीक है, जल्दी से जाके देखते हैं कौन सा ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हो, बी ए सी को, बी ए सी, ठीक है। आपने पहले इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया, ठीक है, ठीक है, आपने बी ए सी को कंसिडर किया, फिर से ये ए था आपके पास, ये बी था, ये सी था, ठीक है, आपने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया, ठीक है। फिर जो इसका साइन थीटा आपके पास हो गया, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसका ले लिया बी सी, ठीक है, और जो इसका हाइपोटेनस है आपके पास वो ले लिया है ए सी, ठीक है। अगर यहाँ से आपने 90 डिग्री क्रिएट किया है, ये हो गई आपकी बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है, आपके पास आ गया बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, ए सी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा, ठीक है। और ए सी हम लोग जानते हैं ए सी किसके इक्वल है, ये है ए, ये है सी, ठीक है, तो ए सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, डायग्राम में जाकर दोबारा से टैली कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया डी साइन थीटा, ठीक है। फिर अगेन वही पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया डी साइन थीटा, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग दूसरे वाले ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल हमारे पास अगेन ये ए, ये सी, लेकिन ये है आपके पास बी प्राइम, दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं, फिर इस पर भी हम लोगों ने अप्लाई किया, क्या अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर भी साइन थीटा अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उससे भी फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, और अगेन ये वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास क्या, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बेस है, ठीक है, यहाँ से आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास सी बी प्राइम अपॉन आपके पास हो जाएगा ए सी, ए सी को आप रिप्लेस कर सकते हो, ए सी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, डी से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, सी बी प्राइम अपॉन डी इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा डी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा सी बी प्राइम इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से दोनों ट्राइंगल से आपने अपने अपने निकाल लिए, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़, अब आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस है, हम लोगों ने देखा था कि दो पाथ डिफरेंसेस को हम लोगों ने ऐड करना था, बी सी प्लस सी बी प्राइम को, ठीक है, बी सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली ये रही, सी बी प्राइम की वैल्यू निकाल ली ये रही, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, ये हो गया टू डी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एम लैम्डा होता है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ड्राइव किया है, पाथ डिफरेंस की जगह पर पुट कर देंगे 2d sin थीटा, तो ये आ गया 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है, ये कहलाता है ब्रैक्स लॉ, और यहाँ पर फिर m क्या है, 1, 2, 3, 4 m की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 9.5, अल्लाह हाफिज़।